नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को इन तीन दिनों की बातें, कुछ खास बातें बताने वाले हैं। आपको भयंकर झटका लगने वाला है। जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, उसकी आपने शायद कभी कल्पना भी ना की हो। आज की पूरी वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है और राज की बात आपको बताने वाले हैं, तो इसे आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सावधानी हमने वीडियो के बीच बीच में भी बताई है, जो आपको बरतनी होगी ताकि आप खतरों से थोड़ा सावधान रहें। वीडियो के अंत में उपाय भी मिलेंगे यदि आप सच्ची श्रद्धा से करेंगे तो। दोस्तों, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा और इसके साथ ही साथ बजरंग बली का भी आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, हम आप सभी को बधाई भी देना चाहते हैं क्योंकि कुछ बड़ी खुशखबरियां भी आप लोगों को मिलने वाली हैं। दोस्तों, इन तीन दिनों में शिव योग, शुद्ध योग तथा सौभाग्य योग का निर्माण हुआ है और अमृत योग का भी निर्माण आप लोगों की कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें, आज के दिन ही आपके जीवन में धन लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी हुआ है, इसलिए अब आपकी किस्मत इन तीन दिनों में चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों, अब आपके जीवन काल में जो भी चमत्कार होंगे, कलयुग के सबसे बड़े चमत्कार होने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको अनेकों प्रकार की बड़ी खुशखबरियाँ इन दिनों में मिलने वाली हैं। दोस्तों, तीन बड़े बड़े फल आपके कर्मों के भी मिलेंगे, जिसके बाद आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, इन समय अवधि में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भी आप लोगों के साथ में हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, हमारे द्वारा बताई गई इन तीन दिनों में कुछ खास सावधानियां रखना आपके लिए बहुत खास रहेगा। दोस्तों, जीवन में क्या क्या बदलाव होंगे इन दिनों में, कौन से कामों को आपको बड़े ही नज़रअंदाज करके करना होगा, किन कामों को आपको बड़े ही दिल से निभाना होगा, तो दोस्तों ज़रा इसे विस्तार से देखिएगा। दोस्तों, ये समय हम आप लोगों को बता दें, मंगल केतु की पूर्ण दृष्टि आप लोगों के ऊपर है। इस समय आपके समर्थित रुतवे में वृद्धि होने वाली है। आर्थिक जोखिम ना लें, जीवन साथी में बढ़ते काम से मन उदास होने वाला है, परंतु कानूनी विवाद में समझौते की बुनियाद बनेगी। किसी की सलाह लेकर के आप जीवन काल में थोड़ी खुशियां आपकी रंग लेकर आएंगी। काम का बोझ बढ़ सकता है। बता दें कि एक साथ यानी कि आप आर्थिक जोखिम ना लें अपनी जिंदगी में, मतलब किसी की टेंशन अपने आप पर ना लें। यदि आप दोस्तों अपने जीवन में कुछ सराहने काम कर रहे हैं लेकिन उसके बीच में कोई आपसे मदद मांगने आए, यानी कि दोस्तों इस समय के अंतर कोई समस्या सुनाने के लिए आए, तो समस्या में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। उस समस्याओं को आप थोड़ा चुटकियों में सॉल्व करने की कोशिश ना करें, यानी कि किसी के विवाद में बीच में घुसने का प्रयास ना करें। यह समय आपके लिए थोड़ा खतरनाक रहेगा कुछ कामों के लिए। दोस्तों, आपको बता दें कि रुतवे में होने वाली है वृद्धि। यदि अपने जीवन काल में आप किसी भी काम को दिल से अंजाम देते हैं इन समय के अंदर, किसी काम को शुरुआत से करना चाहते हैं, अपने जीवन में उस काम से आप बहुत ही आगे कुछ करना चाहते हैं, और दोस्तों कोई आपको नीचे गिराता है किसी काम को लेकर, या आपको उस काम को बताता है कि इस काम से आपको आगे चलकर बड़े घाटे होंगे, इस काम को आप छोड़ दीजिए। यदि ऐसा कोई आपको बताता है तो दोस्तों वहाँ पर आप अपने गुस्से से उस काम को आगे बढ़कर दिखाई देंगे, क्योंकि अगले समय में यदि किसी काम को शुरुआत करेंगे तो वह काम आपका अगले दिनों के अंदर रंग लेकर आएगा। उस काम से आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक भी बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आपके जीवन काल में मंगल केतु की दृष्टि है, उन्हें देखते हुए दोस्तों ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में उनसे दोस्तों आप लोगों को लाभ मिलेगा। किसी काम की शुरुआत करते हैं इस समय के अंदर तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी बेहतर रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि बात करें तो ये समय आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है, और यूँ कह सकते हैं कि सामान्य से थोड़ा अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर दोस्तों हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, आप मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को काफ़ी स्ट्रांग महसूस कर सकते हैं। इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आप यदि तामसिक चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे मांस मदिरा, इन चीज़ों का यदि सेवन करते हैं तो नुकसान हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ग्रह स्थितियां प्रतिकूल होंगी जिसके कारण आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान अवश्य से रख लें।
दोस्तों, किसी भी तामसिक चीज का, किसी भी विविजित का भक्षण नहीं करना है, नुकसानदायक हो सकता है, तो ध्यान अवश्य रखें। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों कि ये समय आप लोगों के लिए धन के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, इस समय अवधि में जो धन लाभ की प्रबल संभावनाएं हैं दोस्तों, ये आप लोगों के धन निवेश के लिए अच्छी है, क्योंकि दोस्तों सूर्य आपकी चंद्र राशि से 12वें शनि के साथ स्थित रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को अपने कार्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। लोगों की बातों को जितना आप नज़रअंदाज करेंगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है, इसलिए समय अनुकूल रहेगा। यदि आपके कामों में दोस्तों कुछ अवरोधक आ रहे थे, यानी कि कुछ रुकावटें आ रही थीं, कुछ बाधाएं आ रही थीं, वे बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। और दोस्तों, आपकी कोई बड़ी योजनाओं में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। वही विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आपको तभी जीत हासिल होगी, सफलताएं प्राप्त होंगी, लक्ष्य में कामयाब होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय के बाद में मिलने का मौका मिल सकता है। इस दौरान आपकी परेशानियों में आपके कुछ मित्र आप लोगों के कदम से कदम मिला करके नजर भी आने वाले हैं। दोस्तों, इसी दौरान यदि आपने किसी को भी धन उधार दिया था, तो दोस्तों वह उधार दिया हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। इसी दौरान दोस्तों लेन देन के मामलों में भी ये समय थोड़ा सा सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। दोस्तों, कागजी कार्रवाई करके ही आप किसी को भी बड़ा बदलाव लेन देन के मामले में कर सकते हैं। लिखा पढ़ी करेंगे तो आपके लिए दोस्तों बेहतर होगा। कुछ लोग आपकी भावनाओं को तकलीफ पहुंचा सकती है, जिससे आप लोगों को थोड़ा दुख हो सकता है। दोस्तों, बेहतर है कि आप अपना समय थोड़ा कम ही परिवार वालों के साथ में बिताएं, नहीं तो नोकझोंक हो सकती है। दोस्तों, बता दें कि यदि आप दुखी नहीं होना चाहते हैं, थोड़ा संभल कर रहें। आज नमियों पर भरोसा करके आप अपने लिए थोड़ा नुकसान के कारण खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए बेहतर रहेगा कि अजनबी व्यक्तियों के ऊपर जरूर से ज़्यादा भरोसा ना रखें। दोस्तों, माता जी से आप लोग को थोड़ा कष्ट मिल सकता है। दोस्तों, कुछ परेशानी आपको महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, छोटे बच्चों के साथ में मौज मस्ती के साथ आप विचार सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक से अधिक स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है, यदि आप इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो वहां से आप लोगों को उस पैसे की प्राप्ति होने के आसार नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोस्तों, यदि कोई भी भूमि या फिर वाहन से जुड़े हुए मामला कानून में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो दोस्तों ये समस्याएं आपकी दूर होने वाली हैं। भविष्य की कुछ योजनाओं पर आप फिर से कुछ विचार विमर्श कर सकते हैं और आप कुछ सोच सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए जो ये समय है, वे आप लोगों के लिए बड़ा लाभ लेकर आया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का खास राशिफल आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।